की बीमारी नहीं है, ये एक मानसिकता है और इस मानसिकता को हम अपने हम खुद हम ठीक कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे इन्होंने लिखा है कि वॉक फॉर लाइफ, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर हम इस बदलाव को शुरू से अगर हम मेंटेन करते चले तो कभी भी हमारे लेवल पे हमारे जीवन में वो मुकाम आएगा ही नहीं कि जब हम कहेंगे मुझे डायबिटीज़ हो गया है या मुझे शुगर हो गया है। लेकिन उसके लिए हमें कॉन्शियस शुरू से रहना पड़ेगा, एक इनिशियल लेवल से रहना पड़ेगा। जिस एज में आज हम हैं, अगर हम अभी से कॉन्शियस हो जाएं कि हमें हरी सब्जियां खानी है, हमें वॉक करना है, हमें एक्सरसाइज करना है, तो कल को क्या हमारा जो यंग जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसे पता भी नहीं होगा कि डायबिटीज़ है क्या। वो अगर हम आज जड़ से ख़त्म कर दें तो वो कल को होके वो जड़ से ख़त्म होगा। सो और जैसा कि मैं लास्ट सेशन में बैठा था ममता मैम ने भी बोला था कि एक्सरसाइज तो हमारे एक पार्ट ऑफ लाइफ है। और हम लोग जैसे कि ये मॉडल्स हैं, इतने सुंदर सुंदर मॉडल्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रोफेशनल मॉडल्स हैं, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं स्टाइलिस्ट हूँ, तो हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि हमें हमारी मजबूरी है अच्छा दिखना। लोग अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन हमारी मजबूरी भी है कि हमें अच्छा दिखना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। तो सिर्फ अच्छा कपड़ा, अच्छे बाल होने से मच्छे नहीं दिख सकते, एक अच्छी सोच रखनी पड़ेगी, एक अच्छी रूटीन रखनी पड़ेगी, एक अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी। और एक डाइट ही इंसान को सजग बनाता है कि आप सुबह टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाइए। अगर हम ये इस रूटीन को फॉलो कर लेंगे तो कल को कि डायबिटीज़ क्या है, ये क्यों होता है, ये हमें किसी और को बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हो गई है।